दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे बेस्ट क्रिकेट कोर्स के बारे में बताऊंगा जो शायद ही कोई क्रिकेटर इन रिकॉर्ड को तोड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, क्रिकेट का एक अहम हिस्सा डोमेस्टिक क्रिकेट जो हर देश में खेला जाता है और भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट को रणजी ट्रॉफी के रूप में खेला जाता है। मुंबई की टीम आज तक सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, मुंबई आज तक 40 से भी ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है। नंबर 9, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर फिल साइमंस ने साल 1992 में पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करते हुए 10 ओवर में मात्र 3 रन दिए। जी हाँ, 3 रन, जिसके बाद मैच खेलते हुए उनकी इकोनॉमी रही 0.3 रन की। नंबर 8, शानदार प्लेयर और उससे भी ज्यादा शानदार कैप्टन रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया 322 मैच खेली, जिसमें से 219 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी और उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया 2 बार चैंपियन ट्रॉफी और 2 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीती है। नंबर 7, ग्रेटेस्ट फिनिशर MS धोनी। धोनी ने आज तक 17 मैचों को सिक्सर मारकर खत्म किया है, जिसमें से 8 T20 और 9 ODI मैचेस शामिल हैं। शायद धोनी को इसीलिए ग्रेटेस्ट फिनिशर कहा जाता है। नंबर 6, इरफान पठान। इंडियन प्लेयर इरफान पठान आज तक के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी। ऐसा उन्होंने साल 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ किया था। नंबर 5, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर मार्क बाउचर, जिन्होंने आज तक 998 डिसमिसल किए हैं, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा डिसमिसल माने जाते हैं। उनके बाद आते हैं एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता था कि शायद जी रिकॉर्ड वो तोड़ पाएंगे, पर उन्होंने भी 905 डिसमिसल के बाद रिटायरमेंट ले ली। इन दोनों के बाद आते हैं MS धोनी, जिनके पास 823 डिसमिसल हैं, जो उन्होंने 534 मैचों में हासिल किए हैं। रहा रिकॉर्ड तोड़ने का सवाल, वो अब बहुत ही मुश्किल है क्योंकि धोनी भी अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। नंबर 4, आप सभी जानते हैं कि टेस्ट मैच कुछ दिनों तक चलते हैं। शायद ही आप जानते होंगे कि एक बार 6 घंटे के आसपास ही टेस्ट मैच खत्म हो गया था। ऐसा 15 फरवरी साल 1932 को हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया ने 153 रन और साउथ अफ्रीका अपनी दोनों इनिंग्स में 36 और 45 रन ही बना पाई। नंबर 3, बात करते हैं साल 1948 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की। तब इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने गई थी, तभी विजय हजारे ने टेस्ट मैच खेलते हुए तीसरे ही दिन सेंचुरी लगा डाली और अगले दिन टेस्ट मैच खेलते हुए एक और सेंचुरी लगा डाली। टेस्ट मैच में लगातार 2 बार सेंचुरी लगाने का पहला रिकॉर्ड विजय हजारे के नाम दर्ज है। नंबर 2, बापू नंदकर्णी को आज के क्रिकेट फैन बहुत ही कम जानते होंगे, लेकिन बापू नंदकर्णी इंडिया के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज माने जाते हैं। जब बापू नंदकर्णी गेंदबाजी करते थे तब बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाज भी अपनी हिम्मत हार जाता था। नंदकर्णी के नाम में कैसा अनब्रेकेबल रिकॉर्ड दर्ज है, जो साल 1964 इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने पूरे 21 ओवर लगातार मेड इन निकाल कर शानदार रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। नंबर 1, बात क्रिकेट के बेस्ट रिकॉर्ड की हो या फिर अनब्रेकेबल रिकॉर्ड की हो, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम ना हो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सचिन ने अपने क्रिकेट करियर में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो शायद ही किसी और के नाम हो। सचिन आज तक 200 से भी ज्यादा टेस्ट मैचों का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने क्रिकेट करियर में 91 टेस्ट सेंचुरी और 49 ओडीआई सेंचुरी लगाई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।